Hey guys, this is Shishita Patil. You are watching my channel that name is Fitness Real Housewife. Guys, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है लव हैंडल्स। लव हैंडल्स यानी कि हमारा साइड बेली फैट, जो कि हमारा ये पोर्शन होता है। एक्चुअली हम चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, ये प्रॉब्लम सब में होती है, तो इसे कम करना इजी नहीं है। फिलहाल मैं पहले आपको इसका रीजन बता दूं क्यों। क्योंकि जो 9 to 5 जॉब करते हैं, आप देखते हो दिन भर बैठे रहते हैं, कहीं भी वॉक नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे कि उनका ये फैट कम हो सके। तो ये अधिकतर प्रॉब्लम जो होती है ऐसे ही लोगों में होती है जो कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, योगा नहीं करते हैं, जो एरोबिक्स नहीं करते हैं, ज़ुम्बा नहीं करते हैं। सो अगर आप भी लोगों में से हैं तो प्लीज इस एक्सरसाइज को आज जरूर फॉलो कीजिएगा। क्योंकि लव हैंडल्स बहुत ही गंदे लगते हैं जब भी लड़कियां कोई लहंगा पहनती है, कुछ भी ऐसी चीजें पहनती है जिसमें कि आपका साइड बेली फैट दिखता है, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर फॉर लव हैंडल्स। तो डाइट में आपका जैसे कि शुगर इंटेक आपको अपना कम कर लेना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको शुगर जितना आप कम करेंगे, आप एक तरीके से शुगर की बीमारी से भी दूर रहेंगे। और दूसरी चीज आपका आता है सॉल्ट इंटेक भी आपको बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में आपके उससे वाटर लेवल बढ़ जाता है जिससे कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। तो आपको दिन भर में ज्यादा से ज्यादा आपको 4 से 5 ग्राम जो है सॉल्ट लेना है। सॉल्ट यानी कि आपको लेना है ज्यादा से ज्यादा 1/2 स्कूप से 3-4 1/2 स्कूप लेने हैं, तो ज्यादा इंटेक नहीं करना है इसका। सो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हो और डाइट प्लान, अगर आपको डाइट प्लान की जरूरत है और आपको नीड है कि आपको कहीं से मिल जाए आपको डाइट प्लान अच्छा सा, तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं आपको वहाँ पे डाइट प्लान जरूर सजेस्ट करूंगी। तो इस तरीके से आप अपना लव हैंडल्स को जो है रोक सकते हैं। बाकी मैं अपनी एक्सरसाइज कुछ आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे आप कोई भी विदाउट इक्विपमेंट के भी कर सकते हो। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया मेरी वीडियोस को, तो प्लीज इसे जरूर करें। सो चलते अपने वीडियो को स्टार्ट करें। सो गाइस, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है लव हैंडल्स की, वो है प्लैंक साइड ट्विस्ट। इसमें हमें साइड ट्विस्ट करना है लेकिन प्लैंक के फॉर्म में। तो ये बहुत ही ज्यादा हिट एक्सरसाइज होती है आपके लव हैंडल्स के लिए। सो आपको इसमें करना है अप्रॉक्सिमेट 12 सेट्स, 12 के एटलीस्ट 4 सेट जरूर कीजिए। प्लैंक साइड ट्विस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले प्लैंक की पोजिशन में आना पड़ेगा। सो प्लैंक की पोजिशन आप चाहे इस तरीके से रखें या फिर आप चाहे इस तरीके से रखें। और इस तरीके से आपका अगर प्लैंक का पोजीशन, और उसके बाद आप क्या करोगे, अपने बट पोजीशन को ट्विस्ट करोगे इस तरीके से। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट को करने के लिए आपको बैठना होगा इस पोजीशन में, जिसमें आपको क्या करना है अपने पैरों को हवा में रखना है, और आपको क्या करना है अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है और किसी पोर्शन को ट्विस्ट नहीं करना है। सो आपको इसमें हाथों को ऐसे रखना है और इस फॉर्म में आपको मूव करना है। सो माय नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड ट्विस्ट। साइड ट्विस्ट में आपका सिर्फ लव हैंडल्स ही नहीं हिट होता है, इसमें आपके चेस्ट का पोर्शन और उसके साथ में आपका ट्राइसेप दोनों ही हिट होता है। सो एक तरीके से आपके मिक्स एक्सरसाइज में भी माना जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं तीनों चीजों में। तो चलिए हम इसको भी करते हैं। फ्रंट लेग करने के लिए हमें इस पोजीशन में आना होगा और हमारे एक पैर जो थोड़ा सा साइड में घुस जाएगा जिससे कि आपके लव हैंडल्स पे भी इसका असर हो। सो इसको करने के लिए हमें अपने दोनों अपने हाथों को प्यार दिखाना है और यहाँ पे अपने सर को टच करना है। सो इसे करने के लिए आपका ब्रीदिंग पोजिशन क्या होगा कि जब भी आप नीचे की तरफ आएंगे तो हमेशा ब्रीद आउट करेंगे और ऊपर जाएंगे तो आप ब्रीदिंग करोगे। सो चलते हैं इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम नीचे जाएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे और जब भी हम ऊपर आएंगे तो हम ब्रीदिंग करेंगे। सो चलते हैं।
सो इसी तरीके से दूसरे पैर से भी करते हैं। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। सो अगर आपसे दिक्कत होती है अपना सर यहाँ तक नहीं टच कर पा रहे तो आपसे जितना हो पता अगर आप इतना भी होगा तो आप देखना सफिशियंट हो। तो गाइस इस एक्सरसाइज में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिनको भी बैक पेन की प्रॉब्लम है वो इस एक्सरसाइज को ना करें क्योंकि इसमें बैक का बहुत ज्यादा यूज होता है। जब आप बेंड होते हैं तो आपकी बैक क्या होती है बहुत ज्यादा नीचे की तरफ स्टिच होती है तो उससे आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बैक पेन है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा इस एक्सरसाइज को। सो जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है साइड लेग रेज। साइड लेग रेज को करने के लिए हमें आना है नॉर्मल आराम करने की पोजिशन में। सबसे अच्छा पोजिशन होता है बट इसके बाद बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है तो चलते हैं। यहाँ पर हमें करने के लिए इस पोजिशन में हमें रहना है, हाथ पैसे रखना है और इस पैर को उठाने की कोशिश करना है लाइक दिस। तो इस तरीके से आपको करना है जितने आपसे हो पाए प्यार में कोशिश करती हूँ 20 करने की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो इसी तरीके से आपको करना है अपने दूसरे साइड में भी हो करके। तो इस तरीके से अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को कम करना चाहते हैं तो अपने ये पांच एक्सरसाइज को अपने ऑल्टरनेट डेज पे करते रहिए। जैसे कि अगर आपने एब्स की वर्कआउट की है आज तो कल आप अपने साइड एब्स की वर्कआउट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके एब्स को भी रेस्ट मिल जाएगा और एक दिन आपके साइड एब्स को भी रेस्ट मिल जाएगा। सो लेफ्ट हैंड को कम करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास वेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में भी रह करके ऐसी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कुछ सजेशन है या आपको कुछ रिक्वायरमेंट है जो आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज उसे कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताइएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, अगर कोई आपकी प्रॉब्लम ऐसी है हेल्थ से रिलेटेड तो प्लीज आप मुझे वहां पर मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई वहां जरूर दूंगी। मेरा इंस्टा हैंडल है फिटनेस फ्रीक हाउसवाइफ, तो आप मुझे वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं और मुझे आप वहां पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।